राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बाइट टू इट। मैं निशा वर्मा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम सैंडविच बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सैंडविच में ऐसा क्या है। तो आज के पहले आपने बहुत तरह के सैंडविचेस खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको फ्रूट क्रीम सैंडविच बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत आसान होता है। बच्चों का तो ये फेवरेट है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फ्रूट क्रीम सैंडविच कैसे बनता है, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम फ्रूट क्रीम सैंडविच बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 कटोरी मलाई ली है। ये मैंने घर की मलाई ली है, और आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, अमूल का, और या तो जैसे व्हिप्ड क्रीम भी आती है वो भी ले सकते हैं। और इसे हम धीरे धीरे करके ऐसे फेंट लेंगे, और आप इसे धीरे धीरे चलाते हुए फेंटते रहें। लेकिन हाँ, ये है कि आपको इसे पेशेंटली फेंटना होगा। फेंटने में इसको करीब करीब 15 मिनट मुझे लग रहे हैं, और ये धीरे धीरे अपने आप थिक होती जाएगी, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह। और आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, जिससे कि ये एयर ना ले पाए, वरना ये जल्दी से थिक नहीं होगी। समय ज़रूर लगता है बनाने में, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, भाग दौड़ कर इसे हम डाइजेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह थिक हो चुकी है, और हमें इतना ही इसे थिक करना है। देखिए, देख के कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ, और 2 कटोरी मलाई है तो 2 चम्मच, या आप जैसे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। और इससे ये देखिए मिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शायद ये बर्तन छोटा है, तो इसकी जगह हम 1 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, और उससे हम इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, इसे हम धीरे धीरे पूरा ऐसा फेंटेंगे कि पूरी इसमें शक्कर मिक्स हो जाए। देखिए कितनी ये बहुत ही लाइट हो गई है। ये देखिए, ये शक्कर इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, ये बिल्कुल थिक हो चुकी है। ये देखिए, ये क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे साइड में रख के ब्रेड की तैयारी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बड़ा वाला ब्रेड लिया है, और ये आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं, और हम इनके किनारों को कट कर देंगे, और इन्हें हम ब्रेड क्रम्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आप उपमा बनाएं ब्रेड का, या हलवा भी बनता है, आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। जिसमें चाहें आप इसे सुखा कर या वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। और हर तरफ से हम इसके धीरे धीरे करके किनारे कट कर देंगे आराम से। ये देखिए, ऐसे ही चारों तरफ से। अगर ये छोटी ब्रेड होगी तो फिर कट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और अब हम इसमें क्रीम का लेयर लगा देंगे। काफ़ी अच्छे से आप इसको स्प्रेड कीजिएगा। इसमें जब क्रीम की लेयर मोटी होती है तो ही खाने में मज़ेदार लगता है। ये आप चारों तरफ से धीरे धीरे करके क्रीम इसमें लगा दीजिए। ये देखिए, हर तरफ से इसमें हम क्रीम लगा देंगे। इसके किनारों पे आप ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि अक्सर किनारों पे ही क्रीम कम लगी होती है। ये देखिए, ये हम इसे चारों तरफ से बहुत अच्छे से लगा देंगे, किनारों पर ध्यान रखते हुए। किनारों पे कम लगती है, इसलिए किनारों पे ज़्यादा अच्छे से लगानी है। और अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स रखेंगे। ये देखिए, मैंने कीवी कट की हुई है। ये देखिए, कीवी लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगाऊंगी। आपके पास जो भी फ्रूट्स हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर एप्पल चाहें या ऑरेंज चाहें, जो भी। और ऐसे करके आप इसमें धीरे धीरे, ये देखिए, लगा दिया हमने।
और इसके बाद मैं इसमें केले के कुछ टुकड़े लगाऊंगी। इसमें आप अपनी मनपसंद के फ्रूट्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये हैं आपको यही लगाने हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं थोड़े से कीवी के टुकड़े और लगाऊंगी। कीवी के साथ खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, ये बच्चों को पसंद भी आता है, मल्टी कलर फ्रूट्स ये देखिए। और अब हम इसमें एक और ब्रेड रखेंगे, इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद एक लेयर इसकी लगा देंगे हम क्रीम की। काफ़ी मोटी लेयर लगाइएगा जिससे कि फ्रूट्स भी उसमें अच्छे से चिपक जाए और मुंह में जब क्रीम आए तो वाह मज़ा आ जाएगा। ये देखिए इसे हम धीरे धीरे ऐसे प्रेस करते हुए पूरा स्प्रेड कर देंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बच्चों का तो ये फेवरेट है। वैसे अगर आप कट करके फ्रूट्स देना चाहेंगे तो बच्चे नहीं खाते हैं, और अगर इस तरह देंगे तो बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने पूरा इसे ढक दिया है ब्रेड को। चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके टुकड़े मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए कुछ मैं इसमें कीवी के टुकड़े और लगा रही हूँ। अगर आप ना लगाना चाहें तो आप सिर्फ टूटी फ्रूटी ही लगा सकती हैं। देखिए ये थोड़े से इसमें स्ट्रॉबेरी के टुकड़े, ऐसे हम धीरे धीरे करके हर तरफ लगा देंगे। ये कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है देखकर, जो चीज देखने में अच्छी लगती है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कुछ ये ऑरेंज के टुकड़े भी मैंने लगाए हैं, और ये मैं इस पे एक और ब्रेड लगाऊंगी और ऐसे धीरे से उसको प्रेस कर दूंगी जिससे कि ये इसमें चिपक जाए। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल कवर कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे कवर करें, वरना आप वैसे भी कट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसे हम रैपिंग पेपर से बहुत अच्छे से रैप कर लेंगे बिल्कुल टाइट करके, जिससे इसमें सारे फ्रूट्स और क्रीम सेट हो जाएं। और हम अगर इसे कट करें तो बहुत आसानी से ये कट हो जाएं। अब हम इसे कट करेंगे, आइए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ऐसे प्रेस करते हुए आप इसे कट कीजिएगा जिससे कि फ्रूट्स इधर उधर ना हो, साइड थोड़ा सा मुश्किल होता है कटना, तो आप इसे वापस एक बार फिर से कट कर लीजिए। ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, और ये सैंडविच खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ये फ्रूट सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।